श्री राम समर्थ फरवरी 25। मुझे लोकप्रियता बहुत प्रिय है। सब लोगों को यहाँ से विदा करते हुए सचमुच मुझे बहुत दुख होता है। पुनश्च हमारी भेंट होगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक दूसरे से बहुत प्रेम से बर्ताव करो, प्रेम से सारा जग जीता जा सकता है। तुम मुझसे लोकप्रिय कैसे होना चाहिए यह सीखो। मुझे लोकप्रिय होना बहुत पसंद है, क्योंकि जो लोकप्रिय होता है वही भगवान को प्रिय होता है। जो निस्वार्थ होता है वही लोकप्रिय होता है। जो भगवान की इच्छा के अनुकूल व्यवहार करता है वही उसको प्रिय होता है। हम अपने लिए जो करते हैं वह सब के लिए करें, वही भगवान को पसंद है। हम केवल अपने ही में भगवान को न देखें, यह भी देखें कि भगवान सर्वत्र हैं, सब में भगवान हैं। सबके मन में हमारे प्रति आकर्षण होना चाहिए। ऐसा लगने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोगों की इच्छा के अनुसार ही बर्ताव करें अथवा जो उन्हें अच्छा लगे वही बोले। प्रेम करने के लिए किसी भी बात की जरूरत नहीं होती, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। संसार में कभी किसी ने नहीं भोगी होगी ऐसी गरीबी मैंने भोगी है। ऐसी गरीबी में रहकर भी मेरा अनुसंधान खंडित नहीं हुआ, टिका रहा। तो फिर उसे टिकाने में तुम्हें क्या अड़चन हो सकती है? मैंने यदि कुछ किया है तो यही कि कभी किसी के अंतःकरण को पीड़ा नहीं दी। बस इतनी ही बात का व्रत तुम निभाओ। जो जो भी कोई मिला उसे मैंने अपना माना। मैंने केवल खेल की रचना की और तदनुसार मैं खेलते रहा। फलतः उसके सुख दुख से मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। नामस्मरण करने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिए मैंने फिर से जन्म लिया। मुझे तो तुम सब राम रूप दिखाई दे रहे हो। मुझसे जो कुछ कहना चाहते हो वह हनुमान जी से कहो, वह सब मुझे ज्ञात होता है। मेरा आदमी कहीं भी हो वह मेरे पास ही लौट कर आएगा। मुझे दुश्चित रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सच पूछो तो जिन्होंने मेरी निंदा की उनको तो समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने मेरी प्रशंसा की उनकी भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहे, लेकिन मैं स्वयं वैसा ही बर्ताव करूँगा जैसा मेरा स्वभाव है। तो लोग मुझे अच्छा कहे यह अपेक्षा कैसे सफल होगी? ध्यान में रखिए कि हमारे भीतर जितने दुर्गुण हैं वे सब नामस्मरण से दूर होंगे। अंतःकरण लगन निष्ठा से नामस्मरण करो। नाम से कभी अलग नहीं होना चाहिए, उसे मजबूत पकड़ कर रखिए। मतलब कि निरंतर नामस्मरण कीजिए, जिससे एकाग्रता निर्माण होगी और यह दशा इतनी असीम हो कि हम उसमें अपने आप को भूल जाए। मैं नामस्मरण करता हूँ यह भी भूल जाना चाहिए, यही सच्चा परमार्थ है। नामस्मरण में एक तान होने के लिए, उसमें तन्मय होने के लिए भगवान को साक्षी रख कर व्यवहार करना चाहिए। मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, यह नहीं चाहिए कि भावना का त्याग करो। राम ही करता धरता है कि श्रद्धा रखो। विषय के दास मत बनो, उसके मालिक बनो। अपना गुण भगवान को समर्पित करो। छोटा बालक बनकर भगवान की शरण में जाओ। प्रभु राम को अपना सुख दुख निवेदन करो। देह की पीड़ा से ऊब मत जाओ, उससे निपटने के लिए चिंतन करो। उपाय ढूंढो लेकिन चिंता मत करो। और
इसी ढंग से निर्भय बनो, अपनी ही आंखों से अर्थात समझदारी से अपनी मृत्यु देखो। आज का मुख्य विचार यह पक्का समझो कि जहां नाम है वहां मैं हूं ही। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.